इसमें हम लगाएंगे हाड़ी भांग का नमक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज सैटरडे फ्राइडे आज 9 तारीख एंड अभी हम नाभ के जाने सुबह का एंड सोनू भाई आज कॉलेज नहीं गया क्योंकि हम खड़े उठते हैं अभी वाले सुबह के 8:30। तो सुबह के बैठे बनने हैं आलू छिल हैं यहाँ पे। तो भाई अभी हम खाए सुबह के भुट्टे उबले हुए भुट्टे, इसमें हम लगाएंगे हाड़ी भांग का नमक जो कि रहा लगा इसमें मुझे नशा करना है। घूमा तो ठीक है, इस भांग में नशा नहीं होता, बस टेस्ट होता है। अभी बात की जाए सीन है, अभी सुबह का नाश्ते का टाइम हो रहा है तो पहले हमारा काम है आलू छिलना। कॉलेज नहीं आ रहा आज, पहले छिलेंगे अपने आलू। क्या दिखा खाना के बाहर रखे हैं, भाई को हॉस्पिटल ले जाना है। खाना के बाहर रखे भाई को हॉस्पिटल ले जाना है। कहाँ कॉलेज में? हाँ। कौन सा भाई? राहुल। अच्छा सो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं, राहुल भाई हमारे यहाँ गेम खेल रहे हैं। कौन सा? फुटबॉल। फुटबॉल हॉकी, फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड सूर्य भाई वाली कागज तैयार हो रहे हैं एंड मीट अप विद सेरू गाइस। सेरू ने भांग का नशा कर दिया अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चफला क्योंकि सोनू भाई को अपना सामान देना है, अपने दोस्त को साबुन देना है। सामान लाया तो ठीक है, इसका दोस्त जो है हॉस्टल में रहता है एंड वो जब भी साबुन वगैरह होता है घर से मंगाता है, यहाँ से मंगाता है मतलब बाहर से, तो हमेशा ही साबुन ले जाता है उसके लिए। भाई साहब घर से बाहर निकलते हैं, बारिश हो गई है तनाव वाली एंड मीट आलू खाने वाले सुनो भाई। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। के मुझे सीने से लगाना है प्यार, से गुजरे जाना है इतना प्यार। ला 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 ला, हमको यहाँ पे इंतजार करते करते 10-15 मिनट हो चुका है एंड इसका दोस्त पता नहीं कहाँ गया है क्या साला। और बारिश इतनी खतरनाक हो रही है ना यहाँ पे, खतरनाक वाली। ये देखो ये मेन चौकला चौराहा है, यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, एक जाता है कट गया को, एक जाता है काट को, एक जाता है ऊपर चम आ गया। तो अभी टाइम है सुबह के नाश्ते का, बट हमारे नाश्ते का नहीं, हमारी गाय का जो कि हमने पाल रखी है घर में, आती रहती हफ्ते हफ्ते में हफ्ता वो सुनने के लिए। गाइस आया ले। तो पहले हमने सांड वाला था बट उसने एक दिन सामने घर की दीवार तोड़ दी, हमने उसके बाद उसको बेघर बेघर कर दिया, बेघर। उसके बाद हमने गाय पाल दी, एक और आ गया साला तू घास का सही है, ये भी आ गया, एक और आ गया, ये एक और आ गया। देखना अभी अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब अपन बैठे हैं ना पे, इसलिए कुछ नहीं करेगा। क्या कर लेगा तू उसका, क्या कर ले, नहीं तू कर क्या लेगा उसका, काटेगा तू उसको, काट सकते तू। तो ठीक है अभी इसको नाश्ता करते हैं, फिर हमारा नाश्ता टाइम हो रहा है एंड हाफ ले आना डब्बा, अब हम नाश्ता करते हैं नाश्ता सामने। तो भी टाइम हो गया 9:30 एंड अभी हम लोग खा रहे हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में पराठे, पराठे विथ दही, आलू के पराठे विथ दही कटे देगी ना भाई, यहाँ तो पैर हो गया, बाढ़ आ गई बाढ़। हम लोग गए थे भी बटर लेने के लिए बट राहुल भाई ने हमारे जाने से पहले एक नाश्ता कर लिया था, तो भाई की किस्मत में बटर नहीं था, सॉरी गाइस। घी घी था, घी 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 कौन सा था सुनो, घी बड़ा स्मैगी बनाऊंगा। क्या होता है? घी होता है बे। क्या होता है? घी होता है, घी घी आई ए ले ले ए ये काला कुकुर, ये गोर कुकुर। A few hours later. Thank you.
हमको आदेश मिला कि सामने घास उठ के उसको काटो घर के सामने, मतलब चाचा जी ने ऑर्डर दिया है। वहां से तीन को अलग अलग काम मिला था, एक को पोछा लगाने का, एक को घास काटने का और एक को क्या मिला था, ये साफ करने का, रैक वगैरह साफ करने का। ठीक है, सोनू भाई ने कर लिया, मेरी बारी है, मैं तो पहले तलवार लेके आता हूँ। तो भाई मेरा अभी तलवार लेने के लिए बगीचे में, एंड सेरू भाई भी आ गए हमारे साथ, आपके साला जैसे वाक्य आ गए हैं। अंकल जी का बगीचा जहाँ तलवार लेने के लिए गाइस, तलवार और सेरो अपने दोस्त के साथ मिलने गया है, दिखाता हूँ अभी। सेरो इधर आजा। हो गया बोलो। अरे तो फाइनली विकेट और तलवार एंड इधर कहीं तो छूट जाए इसका पीछा। आ चल थक गया साला इतने में। हम तलवार लेके आ चुके गाइस एंड ये शेमड़ा भी बैठा है यहाँ पे साला। गिर जा दम जल्द से। सो फिलहाल ये ग्राउंड है जो मुझे साफ करना है अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो करते हैं जितना होता है अभी। पावरफुल मैन कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस। लगता है जरा चमका दे गोल तो नहीं खेलना बेचम। 11 बज रहे हैं भाई, मेरा कलेजा बाहर आ रहा है भाई, दब जा रहा है। सही, इसके अंदर ये देखो यहां धुआं निकल रहा है, इसका बैटरी चलते ही रहेगी ना, ये दब गया होगा फिर इसका नहीं होगा, ये धुआं निकल रहा है देखो। तो ठीक है, बात उसी से अभी हमको जाना है मार्केट ड्यू टू सम वर्क। सोनू भाई का काम है, देखते हैं। सोनू भाई बोले मेरे को काम है, मैं बोलो मेरे को काम है, काम कैसे हो रही है, मैं खाली गेड़ी मार रही है गेड़ी। ठीक है, मैं यहाँ कर रहे हैं काम है। सोनू भाई बोल के आए थे कॉलेज में कि सर मेरे को भाई को दिखाने हॉस्पिटल जाना है और भाई साले ऐसे गेड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग हैं कमल स्वीट्स पे, क्योंकि हमने लेनी यहाँ से मिठाई, तो मिठाई ले ली हमने यहाँ पे, क्योंकि हम बोले अभी मताऊ जी के वहाँ पे राखी देने के लिए, क्योंकि बहू ने कहा कि राखी लेके आना है वहाँ, तो मैंने ठीक है राखी लेके आते हैं। एंड हम लोग मटर गली पे, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी सोनू भाई के लिए। मटर गली नहीं, एम जी मार्केट भाई, मटर गली बेची थी मत, ये मटर गली बोलते हैं हमको, मटर गली ना बोले हमको, बोले एम जी मार्केट बोले, तो हम लोग हैं एम जी मार्केट में। एंड सोनू भाई के लिए थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत की मतलब एक कार को दिलाई भाई को और एक शर्ट दिलाई आप नाउ मतलब पैसे भी मैंने दिए, बाद में ले लूंगा, इससे पैसे बहुत लगे अरे भाई को सॉक्स दिलवाने हैं कहीं से। एंड जब लोग हम घर से निकले थे ना तो उस वक्त बारिश हुई थी, और आप चेकआउट पे हो गए, ये धूप अभी धूप अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी भी धूप आई है, थोड़ी देर में चुभेगी धूप गंदी वाली। ठीक है ना, चलते हैं। सो वी आर एट, फाइनली हमारी शॉपिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी है। शॉपिंग है, थोड़ा बहुत काम था मार्केट में, सोनू भाई को भी मेरे को भी, और घूमने का तो राखी लेके आनी है, था उस लोग वहाँ भी होके आ गए हैं। आ चुके हम लोग घर पे वापस, एंड काम हमारा कुछ था, खाली टाइम पास कुछ घूमता घूमता। एंड हमारे घर आते सेरी भाई, देखो क्या टूट रहा है, एंड क्या टूट रहा है तू गाइस, ये टूट रहा है लेग पीस। आते वक्त तो पिजन लिया ना, क्योंकि साउंड का मैंने चल रहा है, मैंने तो खाता नहीं हूँ, तुझे खाना प्याज नहीं, ठीक है चिकन बिना प्याज वाला बिरयानी है। बाकी सेरी भाई दे दे, नरक में जाओगे बॉडी छोड़ के जाएगी, आत्मा ले जाएगी, प्याज नहीं है ना, जो नॉन वेज खाते थे वो लोग हैं। मैं नहीं खाता, मैं बोलता हूँ। बस फाइनली अभी खाना पीना खा लिया हमने, और अभी का वक्त कुछ ऐसा है कि मतलब सोनू भाई कपड़े लेके आया, दिलवाए मैंने पहले सोनू ने ट्राई किए, उसको ठीक लगे, अब राहुल ने ट्राई कर लिए, राहुल को पसंद आएगा तो राहुल क्या, फिर मैं ट्राई करूँगा, जिसको पसंद आएगा लास्ट में मतलब कपड़े उसके, ठीक है, और पैसे जो गए जिसके गए जाए थे, ठीक है ना। अगर राहुल तो सही लग रहे थे, ऐसा नहीं कि सोनू पे चलना कर रहे हैं, सोनू के भी अच्छे लग रहे हैं, तू खरीद रख ले, वरना फिर लास्ट में ट्राई करूँ तो मैं रखूँगा, फिर उन्हें कह सकते गाइस ऐसा ही था राउंडों में।
कोई किसी भी कपड़े पहन सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। A few hours later. तो गाइस फाइनली विजय शाम के 6:30 हो चुका है एंड हम लोग जा रहे हैं अभी कहाँ, शुक्रवार ना, आज शुक्रवार जा रहे हैं आलू खरीदने के लिए एंड पार्क में घूमेंगे थोड़ी देर हम लोग ऐसे टाइम पास, क्योंकि घर में बोर हो रहा था, गाड़ी नहीं मिली हमको इसलिए पैदल आना पड़ा। दिन में सिर्फ एक बार गाड़ी मिलती है हमको, या सुबह या शाम, दिन में कभी भी ले लो। सुबह हमने एक दिन की एक टाइम की वैलिडिटी हमारी गाड़ी की, और दो तीन घंटे। नाउ हम पैदल हैं और हम जा रहे हैं शुक्र बाजार को। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं शुक्र बाजार पे एंड हमको चाहिए आलू, हम यहाँ लेने आए हैं आलू। क्या रौनक लगी कसम से, मस्त लग रहा है ना। आलू 50 के 2 किलो वाले आलू मिलते हैं मतलब यहाँ शुक्र बाजार में, पता कर रहे हैं 50 का 2 कहाँ मिलेगा, हमको चाहिए 50 का 2 किलो वरना हम लेंगे ही नहीं, भूखे रह जाएंगे हम। लेकिन हमसे बोला है 50 के 2 किलो लाने, तो हम वही लेंगे। पहाड़ वाले 100 रुपए का, 50 का, 50 का आधा आएगा, 3.5 का आधा, दो वाला चाहिए 50 का 2 वो मिल जाएगा बगल में, वो भी मना कर रहा है यार। सो नाउ वी एंटर टू क्या बोलते हैं ना, दिल्ली की सदर मार्केट में जहाँ कपड़े ही कपड़े मिलते हैं गाइस। अरे बोला है 100 के 2 किलो आलू, नहीं 50 के 2 किलो लाने के लिए, और ये 50 के 1.5 किलो दे रहे हैं। चुचा आलू के लिए 3.5 किलो वर्जे 100 रुपए का। फाइनली वी गॉट 50 का 2 किलो वाला आलू गाइस। यहाँ पे अब हम डांट नहीं खाएंगे साला, कब से ढूंढ रहे थे 50 का 2 किलो। तो गाइस हमने जैसे यहाँ पे डिक्की ऑर्डर की उतने में हमारे राहुल भाई यहाँ पधार चुके हैं, कहीं नहीं छोड़ता खाने के मामले में, तभी तो पेट भर रहा है, पेट भर रहा है। राहुल भाई हाल चकने के बहाने खाने के हम महंगी बड़ी बीस ले सारे तेज कर में। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अभी आलू लेके अपने, आलू ले लो आलू, शुक्र बाजार से आलू लेके आ गए और अभी हम लोग वापस आ रहे चमन के वहाँ, क्योंकि गाइस वन ऑफ द फेवरेट मोमो हमारे चमन भाई बनाते हैं। तो भाई एक मोमो प्लेट, एक प्लेट मोमो और आम और लेके आया हूँ देख ले। हमने दिन में चावल भी नहीं खाया, पहले चावल खाने में घर जाके, क्योंकि दिन में बिरयानी ले आया था मैं, इसलिए दिन में चावल नहीं खा पाए थे हम गाइस। बट कोई ना, एंजॉय दैट डे, दो दिन बचे लास्ट में, कल परसों नर्सों चले जाए तुम्हारा भाई, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, देन संडे, मंडे को वापसी गाइस। बच लेना मेरी जान, ओह ये आज तो भाई खाना खाने चले जाए, तू खा ले, तू खा ले, तुझे तो फाइनली गाइस मोमो वगैरह खा लिए, मजे है ना, स्प्रेड और मोमो तो ठीक है, पार्टी वगैरह हो चुकी मोमोड़ा तो ठीक है, खाना पीना हमारा हो चुका है गाइस। अब घर के मैं वो दिन के बचे हुए चावल भी नहीं खाने आज कल, अपने बोल देंगे कल उसको फ्राइड राइस ना लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, गर्म कर लेंगे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग घर पे हैं एंड राहुल भाई ने बनाया यहाँ पे मैंगो शेक, राहुल भाई ने ठीक है ये रहा क्या बनाया भाई ने, मजा आया दिखने में अच्छा, सिर्फ एक्सपर्ट एचएम ये कर रहा है और खाना सही बनाता है घर में भाई, एचएम कर रहा हूँ घूम में रहा हूँ बारह थोड़ा होता है ये भी एक लाख, ये थोड़ा कम वाला हो गया, थोड़ा कम मिल रहा है, पेट दर्द हो रहा है सच में, दिखने बहुत सही हो रहा है, देखते खा के कैसा लग रहा है, ये रुआब से मेरा कलर डाले उन्हें अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, तो टेस्ट करते हैं पचास रुपए से हाथ रखने पड़ेगा लास्ट टाइम। तो हम अपनी लस्सी कहते हैं मैंगो से एंजॉय करते हैं एंड ये खाएगा अपनी आइसक्रीम।